समाचार उत्तर प्रदेश थी कि जहां मुख्तार अंसारी ने आजीवन कैद की सजा फटकारवामां आवी छे। अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कैद की सजा तेमने फटकारवामां आवी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आ सजा संभाळवामां आवी छे। आपणे जणावी दईए कि 31 वर्ष 10 महीना बाद आ केस में निर्णय लेवायो छे। अजय रानू निवेदन पर सामने आव्यु, तेमणे कह्युं कि न्यायपालिकाना निर्णयनुं स्वागत करीए छीए, मने अने मारा परिवारने जोखम अने सुरक्षा जरूरी छे। और उनको जो है ये कहा कि आप जो है इस मामले में 145 और 302 में दोषित करार दिए जाते हैं और सजा के प्रश्न पे उस वक्त सरकारी वकील जो लोग थे और जो मृतक अवधेश राय के जो भाई हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, वो भी कोर्ट रूम में थे। उनके जो पर्सनल एडवोकेट अनुज यादव थे वो कोर्ट रूम में थे, काफ़ी संख्या में एडवोकेट थे। और कोर्ट ने उस दो सजा पे दो लंच बाद पे रखा है। हर जगह प्रताड़ित करने का प्रयास किया, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। और इन्हीं की सरकारों में किशनानंद राय का मुकदमा छूट गया, नंदू रुगुटा का मुकदमा छूट गया, अभी गाजीपुर में मुकदमा छूट गया, लखनऊ में एक जेलर को धमकी वाला मुकदमा छूट गया। तो हम लोग तो डट के खड़े हैं।